हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 345 रुपए का शेयर है, अच्छी खासी रफ्तार दिखाई है, तकरीबन 3% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें आज टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर में क्या खरीदारी करने का अभी भी मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उसके अलावा दो तीन बड़ी खबर निकल कर आई है टाटा मोटर्स को लेकर, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स 345 रुपए का ये शेयर है, 3% से भी ज्यादा का ग्रोथ हम यहाँ पर ऑलरेडी आज के दिन में देख चुके हैं, और 1 महीने में 14% का ग्रोथ है। आप देखिए, 307 रुपए के आसपास शेयर था, लगातार बढ़िया रफ्तार पकड़ी है, शानदार तेजी है ये। आप देखिए, ऊपर ही ऊपर दौड़ता जा रहा है ये शेयर। 1 साल की अगर हम बात करें तो 212% का ग्रोथ है। 94 रुपीज से देखे तो बढ़िया रफ्तार दिखाई थी, 350 रुपए के करीब पहुंचा, बाद में शेयर टूट गया था, और ऐसा टूट गया था कि 290 रुपए तक भी पहुंच गया ये। लेकिन उसके बाद बढ़िया रफ्तार पकड़ी है, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये जो गिरावट का माहौल था, तब मैंने कहा था कि 300 रुपए से नीचे अगर टाटा मोटर्स मिले तो खरीदारी का मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है ये। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने आज मीटिंग की है लगातार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनकी टाटा मोटर्स में होल्डिंग है, और उन लोगों के साथ जो टाटा मोटर्स में बड़ी होल्डिंग रख सकते हैं। अब देखिए, और इसीलिए आज तेजी भी आई है। देखिए, शेयर ऑफ टाटा मोटर्स सर्ज इन ट्रेड ऑन मंडे एज कंपनीज मैनेजमेंट बिगन इट्स 5 डे लॉन्ग मीटिंग विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम फ्रॉम द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। 5 दिनों की लंबी मीटिंग चलने वाली है अलग अलग लोगों के साथ, और वो इन्होंने शुरू किया है। अब एक कंपनी ने एक्सचेंज में बताया है कि किन किन के साथ मीटिंग है। तो इन्वेस्टर सच एस राकेश झुंझुनवाला, जो रेयर एंटरप्राइज के मालिक है, उसके अलावा ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जेपी मॉर्गन असेट्स मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो ये तो 5 बड़े नाम होंगे, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे हैं जिनके साथ वो लोग मुलाकात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहे हैं। और ये मीटिंग तब हुई है जब कंपनी के नतीजे जो आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, और खराब नतीजे के बाद इन्होंने मीटिंग शुरू कर दी है इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मीटिंग कम्स आफ्टर द कंपनी पुअर अर्निंग फॉर द मार्च क्वार्टर एंड द मैनेजमेंट मे होल्ड डिस्कशन अराउंड द कंपनीज आउटलुक ऑन द इंडियन बिजनेस एंड जगुआर लैंड रोवर। तो देखिए, मीटिंग कर रहे हैं और अपने बिजनेस के बारे में बता भी रहे हैं कि भैया क्या क्या हम करने वाले हैं आने वाले वक्त में। टाटा मोटर्स पोस्ट इज अर्निंग सेड दैट इट एक्सपेक्ट नियर टर्म चैलेंजेस इन बोथ बिजनेस ड्यू टू सेमी कंडक्टर शॉर्टेज एंड ऑन गोइंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, कोविड की अभी भी इंडिया में प्रॉब्लम है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज हो रही है पूरे दुनिया में, उसके बारे में भी ये एक कंसर्न है इनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वी एक्सपेक्ट Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 टू बी रिलेटिवली वीक ड्यू टू दिस एज वेल एज राइजिंग कमोडिटी इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव ग्रेजुअली फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर। देखिए, उनका ये कहना है कि साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 जो होगा वो शायद पहला क्वार्टर उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा, लेकिन सेकंड क्वार्टर से एक बड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और आप देखिए, द इंडियन बिजनेस हैज बिगन हिट बाय द ऑनसेट ऑफ सेकंड वेव विद सेल्स इन द तो देखिए, सेल्स में भी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी कंपनी पॉजिटिव है कि आने वाले वक्त में वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। और एक और चीज यहाँ पर ये भी है कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि टेस्ला को कम्पीट करना है। देखिए, जैगुआर रेंड रोवर जो होगी वो 2025 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक बन जाएगी, मतलब सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही वो लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी जो सीधी टक्कर होगी वो टेस्ला के साथ होगी प्रीमियम कार मार्केट्स में। तो देखिए, वो जो स्ट्रेटेजी एम टू कैच अप विद इंडस्ट्री लीडर टेस्ला विच इज ऑल्सो एंटरिंग इंडिया एंड अदर इंक्यूबेटेड ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चर सच एज फोर्ड। तो टेस्ला और फोर्ड के साथ इनकी सीधी सीधी कंपटीशन देखने को मिलेगी जगुआर की, और इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल पिवोट। देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली उन लोगों ने पैसा यहाँ पर लगाया है, और जो नए आएंगे वो लगाने वाले होंगे, तो
वो भी जानना चाहेंगे कि भैया आखिर इलेक्ट्रिक वाला जो सेगमेंट है हमारा वो आखिर कहाँ तक चल रहा है और कौन से जो कंसर्न है इसको लेकर वो भी जानना चाहेंगे वो लोग। क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स की जो ग्रोथ आने वाले समय में टिकी है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंजम्पशन के ऊपर टिकी है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। और आने वाले वक्त में टाटा की जो जैगुआर है उसकी सीधे सीधे जो कंपटीशन होने वाली है वो टेस्ला के साथ होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। शेर खान ने खरीदारी करने की सलाह दी है, 430 रुपए तक का टारगेट प्राइस दिया है टाटा मोटर्स में। जो शेयर अभी 345 पर ट्रेड कर रहा है उसमें 430 रुपए का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तो राकेश झुंझुनवाला ने बड़ी होल्डिंग खरीदी है यहाँ पर, और देखा जाए तो उनके पास 1.30% की स्टेक है टाटा मोटर्स में। 4.27 करोड़ शेयर टाटा मोटर्स के राकेश झुंझुनवाला ओन करते हैं, जिसकी वैल्यूएशन 1430 करोड़ के आसपास बनती है। और क्वालिटी स्टॉक खरीदने के लिए जाने जाते हैं राकेश झुंझुनवाला। टाइटन में एक बड़ी होल्डिंग है इनकी, उससे हम कोई इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ पर आप देखिए नमूरा सेज दैट टेस्ला लॉस मे बी टाटा मोटर्स जेलर गेन इन चाइना। देखिए टेस्ला को नुकसान हुआ है चाइना में, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो जेडआर है उसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है यहाँ पर। अब देखिए टेस्ला व्हीकल ऑर्डर जो है वो 45% तक गिर गए हैं यहाँ पर चाइना में, और इसका जो एक बड़ा रीजन है वो ये है कि टाटा मोटर्स की जो गेन है चाइना में वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स के शेयर में भी आपको तेजी और रफ्तार देखने को मिल सकती है। और तो और शेर खान ने 430 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका ये मानना है कि जो इम्प्रूवमेंट है ऑपरेशन परफॉर्मेंस में अक्रॉस द बिजनेस वो अच्छी है, पॉजिटिव आउटलुक फॉर जेएलआर एंड डोमेस्टिक बिजनेस एंड रोबस्ट एफसीएफ जनरेशन लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट फॉल इन डेट। टाटा मोटर बीट एक्सेप्शंस इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2021 व्हिच आर ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस। पर उनका ये कहना है कि भैया हाँ जो क्वार्टर फोर रहा था वो अच्छा था, उतना बुरा भी नहीं था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नेगेटिव पॉइंट आखिर क्या था यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये था कि जो अभी क्वार्टर फोर रहा उसमें टाटा मोटर्स ने वन टाइम एक्सेप्शनल चार्जेस था उसको राइट ऑफ किया है, तकरीबन 15,000 करोड़ का था जो जेएलआर की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेकर। तो एक बड़ा पैसा राइट ऑफ किया था जिसकी वजह से आपको नुकसान ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अच्छे प्राइस यहाँ पर ये भी है टाटा मोटर्स की, जो अच्छी की रिस्क यहाँ पर है वो ये भी बताती है कि आने वाले समय में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स एक अच्छे खासे बिजनेस जनरेट करने का दम रखता है। टाटा मोटर्स देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 1,15,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है इसमें कोई शक नहीं है। 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर ने खरीदारी करी है। प्रमोटर के पास 42% की होल्डिंग हुआ करती थी जो 46% तक पहुंच चुकी है। प्रमोटर की अगर हम बात करने जाए तो 4% की प्रमोटर की होल्डिंग पहले गिरवी हुआ करती थी, अब 2% से भी कम की होल्डिंग गिरवी है। एफआईएल के पास 13.78% की होल्डिंग है, 5.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास और 5.80% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर लेकर बैठे हुए हैं। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है और थोड़ी सी ही होल्डिंग गिरवी है, 45 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 526 जितने एफआईएल का पैसा लगा है यहाँ पर। टाटा मोटर्स की टेक्निकल रेटिंग अगर देखा जाए तो अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें और 7% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। टाटा मोटर्स देखा जाए तो रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए 2020 की बात करें तो वो पेंडेमिक का दौर था, और 2021 की बात करें तो भैया वो भी पेंडेमिक का दौर था। सॉरी 2021 अगर हम देखें तो ज्यादातर पेंडेमिक का दौर यहाँ पर गुजरा है, और 2020 की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें जो डिमांड थी ऑटोमोबाइल्स में उसमें हमने बड़ी गिरावट को आते हुए देखा भी है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान देखने को मिले हैं पिछले 3 सालों में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब सिचुएशन बदलेगी और दोबारा से आपको प्रॉफिट जनरेट करता हुआ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ओवरऑल टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, कोई शक नहीं है। यहाँ पर 400 रुपए के आसपास आपको आराम से ये शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज की तरफ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कुछ वक्त के लिए थोड़ा
थोड़े से झोले जरूर खाएगा, ठीक है। देखिए तेजी तो आई थी, ठीक है, वापस टूट गया, वापस तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, तेजी आई, ठीक है। यहां से हो सकता है कि 10-15 रुपए और चढ़ जाए सर, लेकिन उसके बाद ऐसे गिरावट भी आएगी, दोबारा 10-15 रुपए ये नीचे आ जाए, फिर थोड़ी बहुत तेजी आई, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, फिर तेजी आई गिरावट आई तेजी आई, इस तरीके से ये चलता रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। लेकिन हाँ, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, 400 रुपए के आसपास जरूर पहुंचेगा ये सर। टाटा मोटर्स को लेकर इतना ही कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रहिए, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए। यहाँ पर आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिकल है, इसमें कोई शक नहीं है, और जैसे जैसे अनाउंसमेंट होती जाएगी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करेगा टाटा, डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छे खासे प्राइस ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा टाटा की कई सारी जो गाड़ियां हैं उसमें प्राइस भी बढ़ाई गई है, और सेलिंग इंडिया की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स एक बड़ा मार्केट कैप्चर करता ही है, और JLR के जो नंबर्स हैं वो भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं, इम्प्रूवमेंट दिखी है वहां पर, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट इनके लिए एक बहुत ही मेजर, एक कह सकते हैं कि कंसर्न रहेगा आने वाले वक्त के लिए। अगर वो चल गया तो याद रखिए, इसको रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन यहाँ से और ऊपर तक जाता हुआ नजर अभी आ सकता है। टाटा मोटर्स खरीदारी करिए, बने रहिए, थोड़ी बहुत झटके यहाँ पर लग सकते हैं, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है, हर झटके में खरीदारी के मौके होंगे, ये बात आप मान के चलिए। और एक साथ किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए, टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि थोड़ी और क्वांटिटी आप गिरावट में ऐड करके चल सके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।